हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आसान तरीके से लहसुन का अचार बनाने की विधि बताएंगे। लहसुन गर्म तासीर में का होता है, खून को पतला करता है और बीपी को कम करता है। ये अचार फायदेमंद होने के साथ साथ चटपटा और स्वादिष्ट भी होता है और बार बार खाने का मन करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये लहसुन, 1 किलो हमने लहसुन लिया था, तो इसको कलियों को अलग करके इसको हमने छील लिया और खौलते हुए पानी में इसको डाल दिया था। 10-15 मिनट के लिए पड़ा रहा, फिर इसको निकाल के धूप में हमने सुखा लिया। ये 2 दिन की धूप लगाई है इसमें। ये अच्छे से सूख गया है, अब ये चिपक भी नहीं रहा है, ये अच्छे से धूप लग गई है इसमें। तो अब इसके लिए हमने लिया है ये अजवाइन 1 चम्मच ली है, 3 चम्मच सौंफ ली है, 3 चम्मच हमने मेथी ली है और 2 चम्मच राई है, ये 1 चम्मच जीरा और धनिया लिए, 2 चम्मच साबुत, ये सोडियम बेंजोएट है, ये हल्दी पाउडर है 2 चम्मच, नमक 3 चम्मच है और ये लाल मिर्च पाउडर है 1.5 चम्मच है, ये 2 चम्मच राई है खट्टा करने के लिए और 1 कटोरी हमने तेल लिया हुआ है। और ये लिए छिड़का, विनेगर आप कुछ भी डाल सकते हो, हींग, सोडियम बेंजोएट ये मेडिकल पे मिल जाता है, इस तरह का आप मेडिकल से ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं गैस के पास। चलिए हमने गैस जला दी है, पैन रख दिया है और इसमें हम सौंफ डाल देंगे। इसको ड्राई रोस्ट करना है, मैं ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का ही भूनना है इसको कि नमी ख़त्म हो जाए। और इसमें जीरा भी डाल देंगे, धनिया, ये मेथी, अजवाइन, ये सारी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का हल्का ही करना है। 1 से 2 मिनट हमने इसको कर लिया है, बस इतना ही हमें चाहिए था ये। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा करके मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लेंगे। जब तक मसाला ठंडा होता है तब तक ये हम तेल है, सरसों का तेल है, इसको हम गरम कर लेंगे। इसमें अच्छा सा गरम हो जाएगा, ठंडा करने के बाद फिर इसे हमें अचार में डालना है। ये जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था ये पीस लिया है, ये इस तरह का पीसना था। और ये हमने सरसों और ये राई पीस लिए, राई खट्टा करती है, इसे कोई भी अचार में डालेंगे तो इससे अचार खट्टा होता है। और अब हम इसमें सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, ये राई भी डाल देंगे इसमें, इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, हल्दी को मिक्स कर लेंगे इसमें, नमक डाल देंगे, नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है, इससे अचार ख़राब नहीं होता है। ये सोडियम बेंजोएट है, इससे भी अचार सालों साल चलता है, ख़राब नहीं होता है। और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको जितनी चाहिए उतनी डाल सकते हो। हींग है, ये तेल में डाल देंगे, तेल भी हमारा ठंडा हो गया है। अब सारे मसाले मिला लेंगे अच्छे से। ये जो मसाला मिक्स किया था वो हम तेल में डाल देंगे, उसमें अच्छे से मिला लेंगे तेल में। ये हमने मसाले मिक्स कर लिए हैं और ये छिड़का भी इसी में मिला देंगे हम, इसको भी अच्छे से मिला के। और ये हमारा मसाला तैयार है। अब ये हम लहसुन में डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अच्छी तरह से हमने मिला दिया है इसको, और इसको एक कंटेनर में भर के हम रख देंगे। ये कंटेनर है इस तरह का, इसको साफ करके अच्छे से धुल के सुखा के कंटेनर में, इसमें किसी भी कंटेनर में आप रख सकते हो, तो उसको आप 6-7 दिन तक धूप में रख देंगे और उसके बाद में 6-7 दिन बाद ये तैयार हो जाएगा लहसुन का अचार। तो इसको आप अपने बच्चों को और फैमिली मेम्बर में सभी को खाने के साथ खिलाएं, बहुत ही टेस्टी यमी बना हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।